सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफी अच्छा हूँ। काफी दिन से कमेंट्स आ रहा था कि ये जेवल भाई को तो भूल ही गए यार। ऐसा कुछ नहीं है, जेवल भाई को कैसे भूल सकते यार। उनकी जो इंटरेस्टिंग कमेंट्री जो पबजी को चार चांद लगा देती है यार। सो आज फिर से जेवल भाई की और नई फनी वीडियो पर रिएक्शन। सो गाइस बने रहे हमारे अंत तक। और आपको पता ही है क्या करता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो गाइस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, 20K होने वाली है, जल्दी जल्दी गाइस करा दो उसको। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हो आप लोग, थैंक यू। तो आइए चालू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो ऑन स्क्रीन, 1 2 3। तो भाई सब स्वागत है आप सभी का बजमिया के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और बताओ की हाल है भाभी, कैसे हैं? तुम्हारे भाई के शासन में पप्पी बटे गिरासन में। तो भाई साहब इस बार हम तो जा रहे, ओह नो, देखो लौंडे आ रहे कि नहीं। भाई साहब लौंडे आ रहे बे। अबे यार कैलकुलेशन के हिसाब से तो लौंडे बहुत ज्यादा आ गए भाई, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई है ना खिलाड़ा हो गया यार, तुम्हारा भाई खेल खेल के ऐसे यार आधी लौंडे तो हम मजाक मजाक में मार देते हैं यार, दोस्ती यारी में। तो हमको वेक्टर मिल गया और कोई दे रहा है बे कहीं से, छोड़ो उसे इग्नोर करो। तो चलिए धंधा शुरू करते हैं यार। भाई साहब अभी इधर साइड दो बोट फायर कर रहे थे, मतलब कि आपस में लड़ रहे थे। अब तुम्हारा भाई जा रहे थर्ड पार्टी करने। देखो भाई ये वाला जो खड़ा था ना ये प्रो बोट था, और जो नॉक था ना वो नूब था, बोला था ना तुम्हारा भाई खिलाड़ा हो गया यार। अब यार देखो हम आ गए स्क्वाड हाउस साइड। भाई साहब सामने साइड अभी कुछ लौंडे लड़ाई ले रहे थे, तुम्हारा भाई भी आ गए हाथापाई करने। ये यही पास वाली बाउंड्री पे, ज्यादा दूर नहीं है। अभी देखो इनका हम लोम विलोम सही करते हैं। किधर हो बे? अबे ये क्या है बे? अबे यही तो ना साला, इतना कुप्चे में कहां से घुसे जा रहा था भाई तू। रुको ये नॉक हुआ तो स्काउट टीममेट होगा, मार दिया अबे हमारे टीममेट ने। तो अब देखो तुम्हारा भाई जा रहा है लूट पार्ट करने। तो गाइस यार हमने अपने 3 नंबर टीममेट को भेजा था रिकॉर्ड टावर के पास, नहीं एकांत वाले पे भेजा था जहाँ पे लौंडों की ट्रैफिक बहुत कम है। भेजे इसलिए थे हम, कहा बाई चांस हम मर गए तो हमको रिकॉल कर देना। अब यार हमारे कहने के अनुसार गए तो थे वहां पर, लेकिन यार इसी को किसी ने बबर दिया। खैर गाइस अब हम जा रहे इसको रिकॉल करने। एक्चुअली इनका ये हाल हमारी वजह से हुआ है, तो तुम्हारा भाई जा रहे सिंपैथी गेन करने। अबे यार ये छपरी पे कोई लौंडा बैठा यार, छोड़ दिया गाइस क्योंकि उसकी फट गई है। देखो ऐसी परिस्थिति में आपके टीममेट आपको उत्तेजित करेंगे कि भाई जा रस कर दे, लेकिन आपको उसकी बात नहीं माननी है। जो साला खुद अपनी पेटी बनवा के बैठा है, हमको स्पेक्टेट कर रहा है, वो हमको सलाह दे रहा है कि भाई लौंडे मार दे। भाई मोहे बस ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम्हारा भाई आ गया रस करने, थोड़ा सा लौंडे ने मुंह काला कर दिया, लेकिन तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं है। और हमको लग रहा है हमारे आगे बंदे में दम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही चीज काम आती है, बड़े बेचैन हो रहे हो यार सुनने के लिए। फाइट के टाइम याद रहे कहाँ? अरे 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 भाई पेल दीज, अरे भाई पूरा पेल दीज, भाई बढ़ दिया बढ़ दिया पूरा बढ़ भाई। रिकॉल कर तो एक नंबर भाई, साले से बदला मैं लूंगा, कोई नहीं मारेगा ठीक ना, मैं अपना रेवेंज खुद लूंगा। इसको साले को मार के आज ही आत्मनिर्भर का शपथ ग्रहण करूंगा भाई साहब, मुझे आज के आज आत्मनिर्भर बनना है। तो भाई साहब बस हम लैंड करने वाले हैं, लौंडा है घर के अंदर, अगर किसी ने मारा तो अंडी वंडी संडी, कोई नहीं मारेगा बोल दे रहा हूँ। हाँ कोई नहीं मरेगा, लौंडा मिल गया मेरे को। अरे पेल गया, अरे भाई पेल दी, अरे भाई फिर से पेल दी, अरे भाई जल्दी आओ ऊपर, आ जल्दी आ जल्दी आ, अबे 2 नंबर चदरोड़ी के जल्दी आ भाई, हमको चपेट दी भाई यार, लगता है प्रो प्लेयर से पंगा ले लिया यार। भाई भाई जल्दी आ दोनों, अबे जल्दी आ मार के, हाँ जा जा रिवाइव कर भाई साहब। यार बहुत ही ज्यादा निर्लज्ज मानो से पंगा पड़ गया था हमारा, उसका बिहेवियर एकदम हमको ठीक नहीं लगा। खैर छोड़ो यार अभी हम आगे, जो अबे सामने गाड़ी मार मार एक नंबर मार बे, अबे बैठा है कि लदा है बे, मार उतार उतार उतार, अबे 3-4 लौंडे भाई हमके भी चला रहा, रुको थोड़ा हमको एक जगह कब्जे में रोक के हीलिंग करने दो भाई, नहीं तो यार आजकल के लौंडे बहुत ज्यादा एडवांस रूपी हो गए, नॉक करते सीधा साले फिनिश कर देते हैं। और साले हमारे टीममेट है शुद्ध चूती है भाई साहब, कवर भी नहीं देंगे। खैर यार गाइस कोई पीक नहीं कर रहा था तो हम बग्गी लेके घुस गए, ये पीक करेंगे कैसे, साले भाग जो रहे हैं। अबे दौड़ा दौड़ा साले, पकड़ पकड़ मार मार, लौंडे बुला लौंडे मार मार साले, उतार उतार उतार, बे मारना साले, लौंडा पास में आते रिलोड करने लग जाते हैं। अरे रुक गया, मार 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 साले, अबे इसको कौन घसीट लिया बे, देखा देखा तुम्हारे भाई ने कैसे गजोरा वाले को गजरा दिया, लगता है हम भी एडवांस होने लग गए, एक स्प्रेम सीधा फटाक से फुर। अब यार देखो भाई साहब इसका एक लौंडा सामने है, तो थोड़ा पहले हीलिंग कर लेते हैं, नहीं तो साला हमारी दुनिया हिला देगा। हमारे टीममेट का पूरा दंदनादेश, अब देखो साले को हम दंदनाएंगे। चलो खैर भाई साहब नॉक तो कर दिया हमने, पहले चल के भाई साहब हम पहले गजोरा उठाते हैं जिसके लिए हमने मारा। ये बात तो है यार, काफी दिन से कमेंट्स कर रहे थे क्या जो जेवल भाई है ना, 3 नंबर ये साला रिलोड कर दिस भाई। खैर यार हमने अपना गजोरा ले लिया है 3 नंबर से। अभी यार देखो हम आ गए पोजीशन की धुलाई सेंटर, देखो कुछ लोग कहते हैं आप यार लौंडे मारते हो आपको पाप लगेगा, तो इसी बात पर तुम्हारा भाई 4 लाइन खुजाना चाहता है कि पूजा भी करता हूँ जाप भी करता हूँ,
पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता अच्छा। हूँ, कहीं देवता ना बन जाओ इसलिए पाप भी करता हूँ। अभी यार देखो भाई साहब, हमने रस का ये मैंने पहले नहीं सुना था। है और सबसे मनोरंजक वाली बात यह है, इस लड़ाई में कोई नॉक नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हमें देख लो, जबरदस्ती गाड़ी में फायर कर रहे हैं। खैर यार भाई साहब, हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक बंदा है और इधर भी एक लौंडा आ गया, भाग रहा है। अबे 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 भाई आओ, मार, रिवाइव कर, रिवाइव, बस रिवाइव करो। बच गए भाई साहब, नहीं तो ये लौंडा तो हमारा पूरा दिन बना देता। अभी अभी आप देखो भाई साहब, इस लॉबी में कोई चमत्कार करने वाला है तो वो है तुम्हारा भाई। आप देखो, हम लौंडो को मारेंगे सिक्वेंस से, पहले एक एक करके मारेंगे। देखो हमारा पहला प्रयास रहेगा ऊपर वाले के ऊपर। अरे भगवान पे प्रयास नहीं करेंगे यार, एकदम नीच नहीं हूँ यार। पहले हम ट्राई करेंगे हमारे ऊपर जो लौंडा बसा है, साला आधे घर में मंडली मार के बैठा है। चलो भाई साहब, हमने एक मूली डाल दी, अब एक गोला डाल देते हैं। एक में शायद सेटिस्फाई ना हो तो दूसरा भी डाल देते हैं। देखो यार, सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे बंदों की हो चाहे बंदी। छोड़ो, हमने एक गोला डाल दिया है, नहीं दो डाल दिया है, व्यर्थ चले गए दोनों के दोनों। इस व्यर्थ का अर्थ समझ रहे हो? लौंडे को हमारे टीममेट ने मार दिया बे। मुझे तो लगा भाई साहब मैं इधर किसी से अकेले लड़ाई ले लिया। खैर छोड़ो, अब हम वर्क करेंगे अपने सेकंड प्लान पे, मतलब स्क्वाड हाउस वालों का नंबर है। अब एक तो झांक रहा है, तुम्हारे भाई ने घिन्ना दिया, चने करारे नाक हो गए बेचारे। अबे शादीशुदा हो क्या, घुसो बे सारे के सारे। एक लौंडा विंडो पे दिखा था, साला काफी देर से हुलिया रहे लेकिन लौंडा पीक नहीं किया दुआरा। अबे यार देखो, तुम्हारा भाई जा रहा है रस करने, एक तो साला यहीं पे होगा तेरी। अबे सालो भाग गया क्या यार, लेट्स डू इट गाइट, लेट्स डू इट। ओ माय गॉड, मार दिया, मार दिया भाई, मार दिया। अरे दोनों पेल दिए बे, जादूगर है। अब देखो भाई साहब, तुम्हारा भाई निकल रहा है जोन। भाई साहब लौंडियों से ज्यादा आजकल जोन काट रहे हैं, बट स्टिल मुझे लौंडियों से ही कटवाना है। कोई काटने वाली हो तो बताओ, मैंने दुख भरी शायरी भी लिख ली है, शायर बनना चाहता हूँ, बस कोई काटने वाली मिल जाए। अबे अबे भाई, छाटने वाले मिल गए बे, दो नंबर को छाट लिए। भाग 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 भाई भाई, ठीक तो है ना तू? नाउ गाइस, अब तुम्हारा भाई जा रहे अपने टीममेट का रिवेंज लेने, क्योंकि यार भाई ने मेरे को बचाया है दो दो बार। यार मैंने किसी का नमक खाया तो चुकाना तो पड़ेगा। लो भाई, हमने नॉक कर दिया, अब तुम देख लो भाई दो नंबर उसको। मैं चला भाड़ में। अभी यार देखो भाई साहब, पीछे भी लौंडे हैं, स्क्वाड हाउस पर लौंडे नहीं है। अभी हमको जाना है पहले जोन में। तो यार हम आ गए जोन में, भाई साहब ये वाले स्क्वाड हाउस में आए हैं। यार एक दिन यहाँ पर हमको एक लौंडा कैंप करके मारा था एमके से, भाई साहब दंदना दी पूरी 20 गोली। लेकिन इस बार हमको थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान देना है कि कोई कैंप ना कर रहा हो। बहुत दुख होता है यार जब कोई ऐसा मारता है तो। अबे हेलो, कोई है? भाई साहब इधर ही लेटा था। शुक्र है भाई साहब आज कोई नहीं है। होंगे भी कैसे, आज हमारे टीममेट जो साथ साथ है ना, चूतिए साले। देखो यार, तुम्हारा भाई दोस्ती में एक उसूल रखता है, कुछ भी हो जाए साला इज्जत नहीं देनी है। देखो गाइस, मजाक वगैरह छोड़, पहाड़ी पर कुछ लौंडे हैं। हमारा एक नंबर चरपहिया 98 लिया है विथ एटेक्स। भाई साहब सामने लौंडे मिल गए बे ओपन में। अरे अरे दोनों आ गए भाई, दोनों आ गए। दिस गाइज नॉट बोट लॉबी। अगर किसी ने दुस्साहस किया बोट लॉबी कमेंट करने की, बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाऊंगा। वैसे भी 4-6 केस झेल रहा हूँ, एक दो और झेल लूंगा। एक केस तो साला इस बात में हो गया, एक लौंडिया बस में स्माइल दे देकर थक गई लेकिन मैंने उसे सीट नहीं दी, भाई साहब उसने केस कर दिया। खैर यार, सामने वाले लौंडों का किला गया तुम्हारे भाई के पास, और सामने पहाड़ी पर एक दो लौंडे और हैं, और उस साला निकल नहीं रहा है तो तुम्हारा भाई लगाया IQ। हम भाई साहब यहाँ से निकलने की एक्टिंग कर रहे हैं। अभी देखो वो अपने टीममेट की पेटी लूटने के लिए निकलेगा। निकला क्या? अरे निकला, घुसो 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 भाई। चल, एक गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। चप्पल। हम फर्स्ट। ए कोई नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। ठीक है मैं मारूंगा। अरे भाग रहा है भाई, भाग रहा है। कोई नहीं मारेगा बे। अबे मारो बे, मारो, भाग रहा है भाई, मारो। साला इतनी जल्दी उतार दिए। अबे यार देखो भाई साहब, सामने वाली पहाड़ी पर भी हमको लौंडे झलक रहे हैं, तो तुम्हारा भाई फुर्सत से जा रहा है रस करने। डियर मेरे लौंडो, जाते ही हवे में 2-4 लौंडे गिरा देना। अरे मर मर मर। अबे 3-4 लौंडे भाई, मैया बचा ले। अरे भाई भाग। अरे कोई नहीं रुकेगा भाई, भागो। रुको भाई, ज्यादा दूर भागना भी नहीं है, नहीं तो ये लोग फट्टू समझ के रस कर देंगे, विच इज नॉट बिल्कुल अच्छी बात। देखो हमें कभी किसी भी परिस्थिति में भागना नहीं चाहिए, दुश्मन से तो खास कर नहीं भागना चाहिए, खासकर जब दुश्मन आपसे कमजोर हो। और यार आप लोग को पता ही होगा तुम्हारा भाई कैसे शुरू से लौंडे पेलते हुए आ रहा है। अब मेरे से मजबूत कोई सकते हैं गाइस लॉबी में? अब बस करते हैं गाइस, हमें अपनी जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो हमारे गेम प्ले का व्याकरण खराब हो सकता है। अबे किसको किसको मारूं बे, कितने सारे लौंडे आ रहे भाई, काश इतने सारे ऑप्शन गर्लफ्रेंड्स के होते। ये साला नॉक किसे नहीं हुआ भाई, कोल्ड ड्रिंक की जगह अमृत पी लिया क्या? रुको गाइस यार, थोड़ा हमको कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा हमको बिना मतलब का दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हाइपर भी होना पड़ेगा अपने टीममेट के ऊपर। साला 10 सेकंड से देख रहा हूँ चूतिया साला रिवाइव किए जा रहा है, इतना कोई टाइम लेता है क्या भाई? लग रहा है लौंडे इधर से आ रहे भाई। अरे अरे मोरे मैया, अरे भाई पेल दिस। अरे अरे मार, एक ही बचा, वेरी गुड वेरी गुड, अद्भुत अद्भुत भाई, पूरा मार पूरा मार, एक ही बचा, लास्ट वन बचा है, अति उत्तम। भाई साहब जिंदगी में पहली बार एस मास्टर पहुंचाऊं,
फीलिंग हैप्पी विद अकेले अकेले। खैर छोड़ो यार, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो आज की ज्ञान की बात कर लेते हैं। बिल गेट्स से दादा इतने रहीस है फिर भी उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, और अमेज़न वाले चच्चू तो और ज्यादा रहीस है उनकी भी वाइफ ने उनको छोड़ दिया। तो मोरल ऑफ द बात ये है पूरी, सरकारी नौकरी नहीं है इन लोग के पास, इसीलिए भाई साहब ये सब हो रहा है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दो। So OP bro, OP काफी यार, जेवल इज आउटस्टैंडिंग यार, क्या उनकी कमेंट, मजेदार कमेंट है। मतलब कहते हैं अगर दिन बनाना ना शाम को आके पबजी अगर देखते हो यार तो एंजॉय करना है, तो गेम प्ले तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ऑब्वियस बात है उनकी कमेंट्री सुनकर ना दिन बन जाता, मतलब अलग ही यार मजा ही अलग है उनका। सो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता ही क्या करना यार गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, कमेंट्स गाइस जरूर किया करो, कमेंट्स से बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। ऐसे ही बने रहो हमारी वीडियो पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।